अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सभी ठीक हैं। तो आज है जी बारात का दिन, आज है हमारे भाई की बारात। थैंक यू सो मच, आपने मेहंदी रात वाले ब्लॉग को खूब सारा प्यार दिया है। अल्लाह हर एक इंसान को अपनी अपनी खुशी नसीब करे। आप हमारे खुशी में शामिल हुए, हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो आज है जी बारात का डे टू। अभी हमारे दूल्हे भाई रेडी हो चुके हैं, तो हम जा रहे हैं उसको हार वार डलवाने, जो एज यूजुअल हमारे शादियों में एक रस्म होती है। यहाँ से हमने मुलाकात की है दूल्हे भाई से, हार वगैरह भी अभी डल रहा है। तो ये हमारी एक रस्म है, हम खूब सारा प्यार बांटते हैं आपस में, वही इस टाइम हम यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। सब यहाँ पे जमा है, तो आप देख सकते हो एक एक आ रहा है वन बाय वन। तो चलिए मेरे साथ, आपको मैं अब ले जा रही हूँ शेफ्स के पास, वहाँ क्या क्या बना है। एज यू ऑल नो दैट कश्मीरी वाजवान जो है वर्ल्ड फेमस है, तो हमारे यहाँ भी बहुत सारी वैरायटियाँ रेडी है, आपको मैं चेक करवा सकती हूँ। आप खुद देख लीजिए, बहुत सारी वैरायटीज हैं जो अभी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। और शेफ्स ने काफ़ी अच्छा पकाया, काफ़ी अच्छी मेहनत से इन्होंने खाना बनाया, वैरायटियाँ बनाई थी, हमें काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया इसको इन्जॉय करने में। रिश्ते कबाब, चिकन, तबकना, बहुत सारे वैरायटीज है यहाँ पे। हमारे दूल्हे भाई अभी चाय को एंजॉय करते हुए, अभी और ज्यादा लोग आ रहे हैं। ये है जो दूल्हे भाई की नानी, वो अभी उसके साथ अपना प्यार बांट रही है, और खूब सारी मस्ती भी चल रही थी यहाँ पे। गिफ्ट्स वगैरह दी जा रहे हैं, जो हमारे रस्म होती है, जिसको भी कोई कोई गिफ्ट होता है वो आता है और दे के आराम से निकल जाता है। और खूब सारी मस्ती की हमारी शादी, बहुत ही बेटर तरीके से गुजर गई है, बहुत अच्छा लगा। अभी आया जी खाना खाने का टाइम, तो दस्तरखान लग चुका है, हैंड्स वगैरह वॉश हो चुके हैं, अब आएगा खाना। और आप देख सकते हो हमारे यहाँ खाने में वैरायटीज क्या क्या होती है कश्मीरी वाजवान में। जो लोग जानते हैं, जो कश्मीर के हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं हमारी शादियों में कौन कौन सी वैरायटियाँ बन जाती हैं। लेकिन जो बाहर रहते हैं, बाहर के लोग हैं, तो ये कीजिएगा अच्छी तरीके से हमारी शादियों में क्या क्या यहाँ पे बनता है। तो आइए पहले हमारे साथ आप हमारा खाना एंजॉय करें। काफ़ी टेस्टी खाना था, बहुत सारी वैरायटीज थे। कश्मीरी वाजवान एज यू नो वो वर्ल्ड फेमस है, सो हमें इसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, हमें सारी वैरायटियाँ यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ भी शादी में काफ़ी वैरायटियाँ अवेलेबल थी, हमने भी अच्छे से खाना खा लिया। अभी खाना वगैरह हो चुका है, तो आप देख सकते हो ये है जी फाइनल टच हमारे खाने का। तो चल रहा है अभी खाना। खाना काफ़ी टेस्टी बना था, काफ़ी अच्छा लगा, सबों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये आ गया जी हमारे वाजवान का सरदार, जिसको हम कश्मीरी में गोश्ताब कहते हैं। खाना खाने के बाद हमने थोड़े से गाना बजाना स्टार्ट किया। Hallelujah।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देख सकते हो हमारे दुल्हा भाई बहुत ही खूबसूरत बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। तो अब ये जा रहे हैं जी दुल्हन में, आइए उनका खूब सारा वेलकम करते हैं गाड़ी तक जाने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा इस टाइम दुल्हे भाई का लुक बहुत ही बेटर लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं दुल्हन लेने के लिए, अपने ससुराल जा रहे हैं अभी हमारे दुल्हा भाई अपनी दुल्हन लेने। तो आइए आप सब उनको अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह उनको नई जिंदगी बहुत 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 मुबारक करे। यहाँ दुल्हे भाई जा रहे हैं अब अपने ससुराल, अपने पापा से विदा लेते हुए और हर एक से अच्छी तरीके से रुख्सत लेते हुए हमारे दुल्हा भाई अब गाड़ी में बैठे हैं अपने ससुराल की ओर जाने के लिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि देर सारी दुआएं कीजिएगा, देर सारा प्यार बांटिएगा हमारे न्यू कपल को आने वाली ज़िंदगी में, देर सारा प्यार और देर सारी खुशियाँ अल्लाह अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।